हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है दोस्तों आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे एजुकेशन के बेसिक थिंग्स, यानी कि एजुकेशन क्या होता है, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट, इसकी अवधारणा, इसके अर्थ, इसका प्रोसेस, इसकी प्रकृति, इसका नेचर। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द आता है कि शिक्षा का अर्थ इन द ब्रॉडर एंड द नैरो सेंस, मतलब शिक्षा का व्यापक और संकुचित सेंस में इसका अर्थ क्या होता है। तो हम सारी चीज़ों को कंप्लीट डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। स्वागत है आपका इस वीडियो में। शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि शिक्षा है क्या, शिक्षा क्या है, व्हाट इज एजुकेशन। देखिए, जॉन लॉक महोदय ने कहा था कि जिस प्रकार पौधों का विकास खेती की अच्छी जुताई से होता है, उसी प्रकार मानव का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। ये जॉन लॉक बहुत ही प्रसिद्ध दार्शनिक रहे हैं। उन्होंने कहा था कि द प्लांट्स आर डेवलप्ड बाई कल्टिवेशन एंड द मैन बाई एजुकेशन, कि जिस प्रकार पौधों की विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उस खेत की निराई गुड़ाई जुताई कैसे हुई है, ठीक उसी प्रकार से एक मनुष्य का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उसे शिक्षा किस प्रकार से दी गई है। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनुष्य के विकास का मूल साधन है। इसी शिक्षा के द्वारा मानव अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास, अपने ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि तथा व्यवहार में परिवर्तन ला सकता है तथा स्वयं को सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जा सकता है। किसके द्वारा बच्चों? शिक्षा के द्वारा। अब देखेंगे इस वीडियो में शिक्षा की अवधारणा की कॉन्सेप्ट क्या है शिक्षा में, और शिक्षा क्या है हमारे मानव जीवन के लिए। तो आइए उसको देखते हैं कि कॉन्सेप्ट यानी कि शिक्षा की अवधारणा क्या होती है। अगर हम बात करें कि शिक्षा की अवधारणा मतलब वेरियस कॉन्सेप्ट क्या है, आखिर शिक्षा का मतलब कॉन्सेप्ट, इसका अवधारणा है क्या, तो पहला पॉइंट यहाँ पे आता है कि शिक्षा मानव के विकास का प्रयास है। एजुकेशन एज एक्ट टू डेवलप ह्यूमन, कैसे वो इंसान को बेहतर बनाता है, कैसे उसका विकास करता है। तो इसको यहाँ पे आप कोट कर सकते हैं, जॉन डेवी ने कहा था कि शिक्षा व्यक्ति के उन सब शक्ति क्षमताओं का विकास है जिनसे वो अपने वातावरण पर अधिकार प्राप्त कर सके और अपनी भावी आशाओं को पूरा कर सके। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों? एजुकेशन है, एक एक्ट है जो कि हमारे जीवन का क्या करता है, विकास करने का प्रयास करता है। दूसरा, अगर हम बात करें, शिक्षा एक प्रशिक्षण है। डेफिनेटली इससे बेहतर, आपसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता कि एजुकेशन क्या है बच्चों, एक ट्रेनिंग है। और बीएड के बच्चे एजुकेशन की ट्रेनिंग ही लेते हैं वास्तव में। शिक्षा एक मार्गदर्शन है, मतलब पथ प्रदर्शन करता है। शिक्षा एक डायरेक्शन देता है, हमें दिशा बताता है कि हमें जीवन किस दिशा में जीना है। शिक्षा व्यवहार का रूपांतरण है। एजुकेशन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। आप देखेंगे जैसे व्यक्ति शिक्षित होते जाता है, उसके सोचने का तरीका, उसके व्यवहार करने का तरीका, उसके रहन सहन का तरीका बदलता जाता है। तो शिक्षा क्या है बच्चों? व्यवहार का रूपांतरण है। ये सारे कॉन्सेप्ट के हेडिंग है, आपको इसके अंदर व्याख्या करनी है। शिक्षा मुक्ति है। एजुकेशन इज इमेंसिपेशन, मतलब अंधकार से मुक्ति, अज्ञानता से मुक्ति, रूढ़िवादता से मुक्ति और भेदभाव से मुक्ति। तो शिक्षा क्या है बच्चों? एक मुक्ति है, हमें इमेंसिपेशन दिलाती है, हमें मुक्ति दिलाती है गलत कामों से। शिक्षा एक प्रभाव है, शिक्षा इन्फ्लुएंस भी है। अगर आपके गांव में, आपके मोहल्ले में कोई बच्चा आईएएस पीसीएस बन जाए, कोई सरकारी नौकरी प्राप्त कर ले, बैंक में मैनेजर बन जाए, तो इसका प्रभाव दूसरे लोगों पर भी पड़ता है। तो शिक्षा क्या है बच्चों? शिक्षा एक प्रभाव भी है। ये हो गए सारे इसके कॉन्सेप्ट, हो गए यानी कि शिक्षा की अवधारणा, और अवधारणा के ये सारे पॉइंट्स के अंदर आपको एक्सप्लेन करना है बच्चों। अब हम बात करते हैं कि शिक्षा का अर्थ। दोस्तों, सब शिक्षा के अर्थ को बात करेंगे तो हमें कई चीज़ें अपने ध्यान में रखना होगा। जैसे कि शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ होता है, हमारे हिंदी भाषा के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या होता है, और भी शिक्षा के अर्थ में व्याख्या कहा किया गया है। जैसे 4H शिक्षा का अर्थ, 4H को भी आगे हम देखेंगे। और एक और आता है 7R। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, मजेदार भी है। पहला हमारा क्या था कि अंग्रेजी भाषा के संदर्भ में शिक्षा का अर्थ। दूसरा हमारा वस्तु हिंदी भाषा के संदर्भ में शिक्षा का अर्थ। तीसरा हमारा 4H और चौथा हमारा 7R। तो आइए देखते हैं कि शिक्षा का अर्थ क्या है। पहले इन दोनों को देख लेते हैं, 4H और 7R का मतलब क्या होता है। तो आइए पहले इनको देखते हैं। 4H का मतलब होता है, शिक्षा का अर्थ 4H के विकास के संदर्भ में यह है कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो इंसान के 4H का विकास करती है। 4H का मतलब क्या? हेड, हार्ट, हैंड और हेल्थ, विकास, मस्तिष्क, हृदय, हाथ और स्वास्थ्य का विकास करती है। तो 4H अर्थ के संदर्भ में क्या हुआ कि एजुकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो 4H का विकास करती है, मतलब हेड, हार्ट, हैंड और हेल्थ का विकास करती है, यानी कि मस्तिष्क, हृदय, हाथ और स्वास्थ्य का विकास करती है। इसी प्रकार से अगर हम 7R की बात करें तो रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिसेशंस, सॉरी रिक्रिएशन, रिक्रिएशन और
द रिलेशन बिटवीन रिक्रिएशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आपको पढ़ना सिखाती है, लिखना सिखाती है, गिनना सिखाती है यानी कि गणना सिखाती है, आपके अधिकारों का ज्ञान कराती है, आपके उत्तरदायित्व का ज्ञान कराती है, आपको मनोरंजन या फिर रिक्रिएशन कह सकते हैं, नया नया निर्माण करने का आपको ज्ञान कराती है, और साथ ही साथ आपको आपके अधिकारों और उत्तरदायित्व में संबंध का ज्ञान कराती है। देखिए एक होता है अधिकार का, मतलब जो आपको आपका अधिकार है आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी होती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये कार्य करें, तो इन दोनों में संबंध स्थापित करती है शिक्षा। तो ये हो गई बात 7R के संबंध में, और ये हो गई बात 4H के संबंध में। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है शिक्षा का अर्थ वो हम देख लेते हैं अंग्रेजी भाषा के संदर्भ में, इंग्लिश के संदर्भ में। तो देखो इंग्लिश में शिक्षा को हम कहते हैं एजुकेशन, और एजुकेशन को माना जाता है कि ये लैटिन के 4 शब्दों से बना है, मतलब माना जाता है। कुछ विद्वानों का कहना है कि ये एडुकेटिस से बना है, कुछ कहते हैं एडुकेटम से बना है, कुछ कहते हैं एडुकेयर से बना है, कुछ कहते हैं एडुकेयरे से बना है। तो ये 4 शब्दों से माना जाता है। इसका मतलब क्या होता है? पढ़ना या प्रशिक्षित करना, अंदर से बाहर की ओर ले जाना, की ओर ले जाना, ठीक है, पालन पोषण करना और बाहर निकालना। तो इसी को हम अगर हम एक जगह इकट्ठा करें तो अंग्रेजी भाषा के संदर्भ में शिक्षा का अर्थ माना गया है कि टू कंट्रोल, टू ब्रिंग अप, टू डेवलप, टू नरिश, मतलब पॉलिश करना, उसको चमक देना, संवर्धन करना, टू राइज, आगे बढ़ाना, शिक्षित करना, मतलब ये तो ऑब्वियस सी बात है एजुकेट करना, प्रशिक्षित करना मतलब ट्रेन करना, बाहर निकालना मतलब अज्ञानता से बाहर निकालना, उसके अंदर की शक्तियों को बाहर निकालना, पढ़ाना और सिखाना, ये अंग्रेजी भाषा के संदर्भ में शिक्षा का अर्थ हो गया। अब आइए अगर हम भारतीय भाषा के संदर्भ में शिक्षा के अर्थ कहें तो कि शिक्षा जो है ना वो संस्कृत के सिच धातु से बना है। जब हम संस्कृत के सिच धातु में अप्रत्यय लगाते हैं तो वो शिक्षा बन जाता है, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। जो भी कार्य व्यक्ति को नवीन अनुभव एवं नवीन ज्ञान प्रदान करता है वो शिक्षा होता है, ठीक है। अब शिक्षा को केवल विद्यालय में ही प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु शिक्षा हर एक इंसान से प्राप्त किया जा सकता है जो हमें नवीन ज्ञान से परिचित कराता हो, जो भी हमें एक नया ज्ञान देता हो, नई चीज़ें बताता है, वह शिक्षा के रूप में होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि शिक्षा को हम केवल विद्यालय में प्राप्त करें। तो ये हो गया भारतीय भाषा के संदर्भ में कि शिक्षा संस्कृत के सिच धातु में अप्रत्यय लगाने से बना है। तो इस प्रकार से ये होता है शिक्षा। तो आपने देखा शिक्षा के 4 अर्थ अंग्रेजी भाषा में और भारतीय भाषा में, 4H के संदर्भ में और 7R के संदर्भ में। बच्चों तो अब हम बात कर लेते हैं शिक्षा के प्रोसेस के बारे में कि इसकी प्रक्रिया होती कैसी है। देखो इसको ना कुछ लोगों ने कहा कि यह द्विमुखी प्रक्रिया है, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि यह त्रिमुखीय प्रक्रिया, मतलब बाई डायमेंशनल, ट्राई डायमेंशनल, और कुछ का मानना है कि ये मल्टी डायमेंशनल है, यानी कि मल्टीपोलर है, ये बहुआयामी या फिर बहुमुखी प्रक्रिया है। अब इसका अर्थ क्या हुआ? जैसे कि जो विद्वान ये मानते थे कि शिक्षा एक बाइपोलर है, द्विमुखी है, उनका मतलब ये था कि शिक्षा के लिए दो लोग बहुत ही आवश्यक हैं। पहला एक व्यक्ति जो शिक्षा प्राप्त कर रहा है, दूसरा एक व्यक्ति जो शिक्षा दे रहा है, ये बाइपोलर का कॉन्सेप्ट है। इसी के अलावा दूसरा जो कॉन्सेप्ट है ट्राइपोलर का, तो ट्राइपोलर में ये कहा गया कि केवल दो व्यक्तियों से या फिर दो तत्वों से शिक्षा की प्राप्ति नहीं हो सकती, कि एक वो जो शिक्षा दे रहा है, एक जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है। इसके अलावा भी एक तीसरा चीज़ होता है, वो है आपका समाज। ये बहुत हद तक आपका शिक्षा इस बात पर निर्भर करता है कि आपका समाज कैसा है, आप किस समाज में रह रहे हैं। तो ये बात हो गई ट्राइपोलर की, और हम बहुमुखी की बात करें, मल्टीपोलर या फिर मल्टी डायमेंशनल अगर हम शिक्षा की बात करें, तो इसमें कहा गया कि नहीं, केवल शिक्षक या शिक्षार्थी, सीखने वाला, सिखाने वाला और समाज, इन तीनों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका आपका परिवेश, आपका परिवार, आपकी अनुवांशिकता और आपका वातावरण, आपका स्कूल, ये बहुत सारी चीज़ें मिला के तब जाके एक शिक्षा की प्राप्ति होती है। तो ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों बहुमुखी का, यानी कि मल्टीपोलर प्रोसेस के। तो आइए थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं कि आखिर ये चीज़ें होती क्या है। यह बहुमुखी प्रक्रिया, जैसे मैंने आपको बताया कि J.E. एडम्स जो थे, एडम्स का मानना था कि जो शिक्षा है ना वो द्विमुखी प्रक्रिया है, मतलब इसमें एक शिक्षक होता है, दूसरा विद्यार्थी होता है, एक सीखने वाला होता है, दूसरा सिखाने वाला होता है, ठीक है। और ये मुख्य तत्व होते हैं, ये मुख्य कारक होते हैं शिक्षा के। यह बात किसने कही थी? J.E. एडम्स ने। इसी को हम कहते हैं शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया, यानी कि बाइपोलर प्रोसेस, ठीक है। इसके विपरीत जो जॉन डेवी थे, जॉन डेवी का मानना था कि जो एजुकेशन है वो ट्राईपोलर है, वो त्रिमुखी है, द्विमुखी नहीं है। यहाँ पे एक शिक्षक और विद्यार्थी तो होगा ही, साथ ही साथ उसका समाज भी रहेगा, ठीक है, उसका समाज भी रहेगा। इसीलिए जॉन डेवी ने कहा था कि जो शिक्षा है वो त्रिमुखी प्रक्रिया है,
और हम आधुनिक युग में मानते हैं कि शिक्षा जो है वो त्रिमुखी नहीं, वो बहुमुखी है, बहुत सारे इसके आयाम हैं, बहुत सारे इसके डायमेंशंस हैं, दे मल्टीपोलर प्रोसेस है जिसमें शिक्षक होता है, विद्यार्थी होती है, समाज होता है, उसका वातावरण होता है, उसकी अनुवांशिकता होता है, उसका परिवार होता है, उसका परिवेश होता है, उसकी अपनी समझ होती है, उसका अपना उम्र होता है, उसका अपनी मैच्योरिटी होती है। तो बहुत सारे चीज़ों का एक संपूर्ण मिश्रण या आयाम शिक्षा होता है। तो ये बहुमुखी प्रक्रिया होती है शिक्षा। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इसमें कि शिक्षा का नेचर क्या होता है, प्रकृति क्या होती है शिक्षा की। और आपने देखा कि शिक्षा जीवन पर अपने चलने वाली प्रक्रिया, ये सारी चीजें। तो शिक्षा की प्रकृति की अगर हम बात करें तो शिक्षा की प्रकृति, आइए देख लेते हैं फटाफट से कि शिक्षा की प्रकृति क्या होती है और उसको कैसे एक्सप्लेन करना है आपको एग्जाम में। हम शिक्षा की प्रकृति की बात करें तो शिक्षा की एक सबसे बेहतरीन प्रकृति ये है कि यह जीवन पर अपने चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब मृत्यु से, सॉरी जन्म से लेकर मृत्यु तक ये सदैव चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा देश का विकास करती है, ऑब्वियस सी बात है। शिक्षा व्यक्तित्व का सर्वाधिक विकास करती है, मतलब शिक्षा के माध्यम से हमारा व्यक्तित्व सबसे बेस्ट तरीके से डेवलप होता है। शिक्षा व्यक्ति को उसके जीवन के लिए तैयार करती है, आपको बताती है कि आपको जीवन को किस दिशा में बढ़ना है, किस दिशा में जीना है, कैसे आप बेहतर जीवन जी सकते हैं। शिक्षा नागरिकों को देश के लिए तैयार करती है, किसी देश के नागरिक जितने शिक्षित रहेंगे वह उतना ही बेहतर देश रहेगा, उतना ही आगे देश बढ़ेगा। और शिक्षा एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, मतलब एक सिस्टमेटिक भी प्रोसेस है, मतलब जैसे कि प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन, ये सारी क्या है, शिक्षा एक व्यवस्थित प्रक्रिया भी है। तो इज़ इट अ लाइफ लाइन प्रोसेस, ये क्या करती है, कंट्री को डेवलप करती है, ओवरऑल डेवलपमेंट करती है इंसान की भी, और सिटीजन्स को अच्छा नागरिक बनाती है, सिस्टमेटिक प्रोसेस है। तो ये हो गई बात शिक्षा की प्रकृति के बारे में। इंपॉर्टेंस ओके। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं, ये शायद इस वीडियो की लास्ट पॉइंट होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट एक शब्द यहाँ पे आता है कि शिक्षा का अर्थ नैरो सेंस में और ब्रॉडर सेंस में, मतलब व्यापक संदर्भ में शिक्षा का अर्थ, और संकुचित या संकीर्ण शब्द में शिक्षा का अर्थ। दोस्तों इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पता है क्या है, अगर आप ये सोचते हैं कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन से लेकर मृत्यु तक चलती है, तो ये व्यापक के अंतर्गत आती है, मतलब जीवन शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको आपको घर में, समाज में, परिवार में, जीवन जैसे ही हमें प्राप्त होता है हम सीखने लगते हैं, हम शिक्षा प्राप्त करने लगते हैं कि हमें बोलना कैसे, हमें चलना कैसे, हमें उठना कैसे, हमें खाना कैसे, हमें किसे कैसे लोगों का सम्मान करना है। तो जब हम ये सेंस रखते हैं तो ये होता है शिक्षा का व्यापक अर्थ। अगर हम केवल ये मान लेते हैं कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया जिसको विद्यालय में प्राप्त किया जाता है, मतलब शिक्षा प्रक्रिया को विद्यालय तक सीमित कर लेना, इसको हम नैरो सेंस लेते हैं, इसको हम संकीर्ण शिक्षा का अर्थ कहते हैं। तो ये दो पॉइंट। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आपको इस वीडियो को देखने के लिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ मुझे आपके फीडबैक का बड़ा इंतजार रहता है, क्योंकि जब आप फीडबैक देते हैं ना तो मैं अपने अंदर और सुधार करता हूँ, मुझे लगता है कि हाँ मुझे यहाँ पे और मेहनत करने की जरूरत है। सो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में आप हमें ज़रूर बताएं, ताकि मैं उस आधार पर अपनी वीडियो को और बेहतर बना सकता हूँ। आपके फीडबैक की मुझे बहुत ज़रूरत है, सो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों टेलीग्राम का लिंक होगा, टेलीग्राम ग्रुप का, अगर आप अवध विश्वविद्यालय से हैं, डीडीयू विश्वविद्यालय से, तो हर एक ग्रुप का अलग अलग लिंक है, प्लीज़ उसको ज्वाइन करिए, ताकि मैं ये जो पीडीएफ है ना, इसकी पीडीएफ आपको वहाँ पे शेयर कर दूँ, ताकि आपको और हेल्प मिलता रहे। लाइक करें इस वीडियो को अगर पसंद आई हो तो, सब्सक्राइब करें अगर अब तक चैनल से नहीं जुड़े हो तो, और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि उन तक भी ये बात पहुँचे, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, मिलेंगे अगले वीडियो में एक अगले यूनिट के साथ, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।